मंच पर उपस्थित सभी हमारे ऑफिसर्स, हेल्थ सेक्रेटरी प्रमुखीन जी, डॉक्टर खेरा, डॉक्टर कपूर, जितने भी लोग हैं नीचे हमारे बैठे हुए सभी साथी, देखिएगा आपने जो प्रोग्राम आज स्टार्ट किया है उसके लिए तो सभी को पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और मुझे जो एक मन में आ रहा था, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी नॉलेज की अगर बात करें, नॉलेज तो है बट वो कहीं पर है, बाकियों के पास नहीं है, तो उसको लोगों तक पहुंचाने की दिक्कत ज़्यादा है। जितनी भी बातें अगर कोई भी हम करें तो पहले से पता होता है, डॉक्टर्स को तो पता है भाई, 90% डॉक्टर्स को पता है, 90% डॉक्टर्स को नहीं पता है, पेडियाट्रिशियंस को पता है, गायनेकोलॉजिस्ट को पता है, उनको तो पता है, या इस फील्ड में जो ये काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। बट जब हम जाते हैं कि जिनको एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं या यंग मदर्स हैं, अगर उनसे बात करें, तो अभी जैसे अभी आपने देखा था, नाटक देखा था छोटा सा, तो सब जगह यही चलता है कि कौन सा पहले, हम अब तो विज्ञापन काम आता है, जब हम छोटे थे हमेशा आता था, गुटली गुटली 555 गुटली होती थी, कि सबसे पहले वो पिला दो तो सब ठीक हो जाएगा। वो जो शहद वाली बात बता रहे थे कि शहद चटा दो, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि लोग मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको ऑथेंटिक सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है सुनी सुनाई के, दादी अम्मा ने ये कह दिया, पड़ोसी ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया है, हम एक ऑथेंटिक सोर्स से अगर उसको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी शंका है, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो मैं तो इसके लिए सजेशन दूंगा कि आप एक ऐप बनाइएगा, उसका नाम रखो माँ, और उस ऐप के ऊपर, ये नहीं कि माँ बनने के बाद ही, माँ बनने से पहले से स्टार्ट कर दीजिएगा, उसके 4 या 5 सेक्शन बना लीजिएगा। ऐप के अंदर जाएंगे आप तो एक्सपेक्टिंग मदर हो सकता है, यंग मदर हो सकता है, मदर 1 to 2 years या 3 years कर सकते हैं, 3-4 सेक्शन बना लीजिएगा, और उसके अंदर जो भी क्वेरीज हो आपको, जैसे आपने लिखा कि एक्सपेक्टिंग मदर है, तो उसको वीकली अपडेट्स आते रहे कि भाई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर वो आपसे 2-way होना चाहिए, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सके, आपके पास टीम होनी चाहिए उनके जवाब दें, और जवाब सबको चला जाए तो क्वेश्चन तो कॉमन ही होंगे। अगर यंग मदर है तो जैसे ही है कि भाई आपको उनको वीकली अपडेट देते रहिए, डेली अपडेट देते रहिए कि आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी फिल्म जैसे अभी आपने दिखाई भी होगी, अगर आप छोटी छोटी फिल्म 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की दिखाते रहें, और उसके अंदर ऑप्शन होना चाहिए उसको आगे वो शेयर कर सकें, भाई आपने जैसे आपके आशा वर्कर्स हैं, आपके फील्ड वर्कर्स हैं, या नर्सिस हैं, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, उनको सबको उसमें जोड़ दिया जाए, एक्सपेक्टिव मदर्स हैं या जो यंग मदर्स हैं वो भी जुड़ जाएँ, परंतु 100% लोग नहीं जुड़ पाएंगे। आपने अगर 20% को जोड़ा तो बाकी 80% से वो जुड़ जाएगा। आगे आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, या वो सुना दें, जैसे आशा वर्कर फील्ड में गई तो देखो ये वीडियो सुन लो, किसने कहा है कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है, तो ऑथेंटिक सोर्स मिल जाएगा उनको, ये तसल्ली हो जाएगी कि जो दादी अम्मा ने कहा शहर चटा लो वो गलत था। आज दादी अम्मा ने कहा शहर चटाओ, किसी और ने कह दिया नहीं ये खतरनाक है, अब उसको तो कन्फ्यूजन हो गया, तो किसकी बात मानेंगे, जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास है भाई, जिस पे ज़्यादा विश्वास उसकी बात मानेंगे। तो हमारे को एक ऑथेंटिक सोर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जो हमको ऑथेंटिकली बता सके। अब जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है, मुझे लगता है ये चाइल्ड बर्थ के बाद स्टार्ट होने वाली एक्टिविटी नहीं है, इसके लिए मुझे लगता है इससे पहले तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर हम सोचें कि बर्थ होने के बाद हम मदर को कहें कि जी अब फटाफट आप पिला दीजिएगा, दूध पिलाइएगा, अगर हेल्थी ठीक नहीं है तो मुझे लगता है वो सारी एक्सरसाइज बेकार जाएगी। उससे कई महीने पहले से हमें तैयारी करने की आवश्यकता है, और उसको मेंटली तैयार करने की जरूरत है। देखो जिस तरह से मेंटलिटी बन जाएगी, अगर मेंटलिटी ऐसी बन गई कि भाई मैं तो शायद दूध ना पिला पाऊँ, तो चांसेस ये हैं कि काफ़ी हद तक वो ना पिला पाए। अगर उसको पहले से तैयार किया जाए कि नहीं कि ये तो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और ये तो बहुत नेचुरल है, कुछ फिल्में देखें, कुछ देख लें तो लगेगा हाँ दिस इज नेचुरल, तो अपने आराम से जाएगा। रेजिस्टेंस खत्म, मेंटल ब्लॉकेज अगर खत्म कर दें हम लोग, ज़्यादातर हम अपने सपनों में ना एक ब्लॉक खड़ा कर लेते हैं, एक स्क्रीन खड़ी कर देते हैं, ये उसने हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आज से कुछ साल पहले तो चलता था कि भाई माँ का दूध इतना अच्छा नहीं होता, डब्बे वाला ज़्यादा बढ़िया होता है, पर ये सभी डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा, पिछले 10-15 साल की मेहनत के बाद ये मिथ तो आप लोगों ने खत्म कर दिया। अब इसको कोई नहीं कहता कि ये डब्बे का दूध अच्छा होता है,
अब ये कहते हैं माँ का दूध अच्छा होता है पर मैं पिला नहीं सकती या हमारी बेटी पिला नहीं सकती, तो मतलब ये एक स्टेप तो ऊपर चढ़े पर उससे काम नहीं चल रहा। उन्होंने साथ साथ असहाय भी बना दिया अपने आप को कि नहीं इसको तो अभी कमजोर है, इससे शायद उसको कमजोरी आ जाएगी, हेल्थ कमजोर, तो ये सारे आपको उनको खत्म करने की जरूरत है किसी भी तरीके। जनता को बल्क में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम थोड़ा कंजूस बने। इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा, और सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ऊपर हम जितना अच्छी तरह से इसको शेयर कर लेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लगता है कि जल्दी पहुंच पाएंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब डॉक्टर खेरा जो बता रहे थे कि दिल्ली का जो डाटा है काफ़ी अच्छा है पूरे देश के हिसाब से, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। आपने कहा कि 41 नेशनल एवरेज है और दिल्ली की 21 है। दिल्ली के अंदर देखिएगा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है बड़ा अलग है। लगभग आधे लोग मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के हैं, और आधे लोग लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के हैं। अगर इस डाटा को हम जस्ट हाफ कर दें तो जो 21 था वो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के अंदर, वो 21 से सीधा 35 या 36 या 37 पहुंच जाएगा, और जो अपर वाला पार्ट है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो वो जाके हो सकते 5 या 6 या 4 कहीं पे रह जाए। तो ये डाटा थोड़ा सा गड़बड़ है, और हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे करने से हुआ, ये इकोनॉमिक्स की वजह से ज़्यादा हुआ है। इकोनॉमिक्स प्ले करती है रोल, जो लोग भी थोड़ा सा फाइनेंशियली आप हो गए तो उनके लिए एक प्रेशियस है वो, उसकी लाइफ बहुत प्रेशियस हो जाती है, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं वो लोग बचाने के लिए। तो मुझे लगता है हमारे को अब कोशिश क्या करनी चाहिए, या तो डाटा ही अलग कर दें, दो अलग अलग कर दें कि ये ऊपर वाले 50 की हम चिंता नहीं करें, नीचे वाले 50 की चिंता कर रहे हैं, उसका एक्चुअल डाटा ले लीजिएगा तब उसके ऊपर कितनी डेवलपमेंट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं कि हो रही हो, उसका घट रहा हो। दिल्ली के अंदर मुझे बताया जाता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 80% है, मैं इसको भी नहीं मानता। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज लेस देन 60%। वही बात आ गई, जो ऊपर के 50% है वहाँ 100% है, उसको छोड़ दीजिएगा। जो नीचे वाले 50 हैं उनके अंदर 60% है, तो एवरेज इज 80%। इसी तरह से इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं कि दिल्ली में इम्यूनाइजेशन 82% है, वो भी 82% नहीं है, वो भी कहीं कहते हैं 62 या 63% है, क्योंकि ऊपर वाले में 100% है, नीचे वाले में 60% है। तो मुझे लगता है हमें सेंटर से हाफ करने के बाद ऊपर वाले के ऊपर क्रेडिट लेना छोड़ देना चाहिए। ऊपर का जो सेंटर से हाफ से ऊपर वाले लोग हैं उसका क्रेडिट गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को कम से कम नहीं लेना चाहिए। हमारे को नीचे वाले का अगर क्रेडिट हम लेंगे, हमें अच्छे में पता लगेगा कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर बेनिफिट होगा, उसमें अगर डेवलपमेंट होगी तब हम कह सकते हैं कि हमने कोई डेवलपमेंट किया है, हुआ है, और तो उतना नहीं हुआ जितना हम सोच रहे हैं। भाई जैसे पूरे देश का एवरेज अगर लगा रहे हैं तो हो सकता है दिल्ली इज नॉट द बेस्ट, दिल्ली सबसे अच्छा है क्या? सबसे बढ़िया नहीं, केरला उसी से अच्छा है, केरला का 12 है। पर एवरेजेस जो होते हैं ना ये गड़बड़ करते ही हैं। इंडिया का 45 का मतलब आपका मध्य प्रदेश का 80 तो नहीं, दिल्ली तो बहुत नीचे आ गया ना। देखिए केरला के अंदर गांव भी है, केरला में सब कुछ है। तो मुझे लगता है इसके अंदर हमें एक चीज़ और करनी चाहिए, इसके अंदर इकोनॉमिक्स में करेक्शन कर देता हूँ, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। तो मुझे ऐसा लगता है गर्ल एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमें अगर कोई भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन के अंदर जितना इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ एजुकेशन, इन चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और इरेस्पेक्टिव किसी भी चीज़ के बिना अगर गर्ल एजुकेशन को इन जनरल प्रमोट करें तो हम हर तरह की हेल्थ इश्यूज को हम ठीक कर सकते हैं। गर्ल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मदर जो होती है अपने बच्चे की जो है केयर करने के लिए, मदर को जितना नॉलेज होगी उतना ही फायदेमंद होता है। तो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और दिल्ली के अंदर जो डाटा आपने बताया 21 और केरला का 12 है, तो 12 की तरफ तो जाना चाहिए, केरल से अच्छा तो हमें होना चाहिए नेक्स्ट 2-3 ईयर्स कोशिश करके। अब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर इसको हम एक अभियान मान के चलें और बहुत सारे मिस को सोसाइटी से हटा दें। अभी दिल्ली सरकार ने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार ये मानती है कि हमारी जो सबसे पहली प्राइम ड्यूटी है वो है MCH, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ।
सबसे प्राइम, सेकेंड आती है इमरजेंसी और थर्ड आती है बाकी हम जो सुपर स्पेशलिटीज वगैरह में लगे हुए हैं। आज हमारा जो विजन है, जो सारा खर्चा खर्चे से अगर देखते हैं, सपोज 4,000 करोड़ का हमारा खर्चा होता है प्राइमरी हेल्थ के ऊपर, हम 10% भी खर्च नहीं करते हैं, जबकि होना चाहिए कम से कम 70-80%। तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत है कि प्राइमरी हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इज पार्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ, उसके ऊपर हमें जितना ज्यादा ज्यादा खर्च करना पड़े, और जो इनिशियल ईयर्स में बिफोर बर्थ एंड फर्स्ट 5 ईयर्स, बच्चे के पैदा होने से 9 महीने पहले तक और पैदा होने के 5 साल तक जो हम खर्च करेंगे, वो हमारे आगे वाले 50, 60, 70 साल में हमारे को डिविडेंड देगा। फॉर एग्जांपल, मुझे डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, कई सारी प्रॉब्लम है, हियरिंग की जैसे प्रॉब्लम है, अगर वो बहुत अर्ली स्टेज में चेक कर लें तो बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है, अगर उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसके ऊपर हमारे को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हमने प्रायोरिटी जो हमने बनाई है, सबसे प्रायोरिटी हमारी है जितना यंग उतना ज़्यादा प्रायोरिटी उसको हम देंगे, तो उसके लिए कोशिश चल रही है, पूरा हेल्थ सिस्टम उसके लिए लगा हुआ है, दिल्ली को पूरा चेंज कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स भी हम दिल्ली में खोलने जा रहे हैं, 1,000 मोहल्ला क्लिनिक्स का टारगेट है जल्द से जल्द खोलने का, और उसके अंदर सभी मोहल्ला क्लिनिक से हम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए वीकली मंडे, हफ्ते में एक दिन, क्योंकि 1,000 लोकेशंस होंगी वहाँ पर, उनको हम गाइड करने के लिए, चेकअप करने के लिए पूरा हर हफ्ते उनके अंदर प्रोग्राम रखेंगे, और सबसे ज़्यादा एजुकेट करने के लिए। देखो उसमें कुछ करना खास नहीं होता, बस ये देखना होता है कि आपने मॉनिटर करना होता है कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो हर हफ्ते हर मोहल्ला क्लिनिक में हफ्ते में एक दिन स्पेशली हम प्रोग्राम रखेंगे ताकि पूरी दिल्ली में कोई भी एक्सपेक्टिंग मदर है या कोई भी एक्सपेक्टिंग मदर है उसका हम ध्यान रख सकें। और इसको मैं जो आपने अभियान चलाया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।